तीन खूबसूरत हीरोइंस, तीन ट्रेजेडीज। विश्व सुंदरी, प्रियंका चोपड़ा, रोहन सिप्पी की फिल्म ब्लफ मास्टर में काम कर रही थीं। तभी पता चला कि इनके पिता को कैंसर डायग्नोस हुआ है। इनके पिता खुद एक डॉक्टर थे, आर्मी के डॉक्टर थे, इसलिए प्रियंका चोपड़ा का बचपन अलग अलग शहरों में बीता। जहाँ पर इनके पिता की पोस्टिंग होती थी वहीं पर ये पहुंच जाती थीं। प्रियंका चोपड़ा ने तो एक टैटू भी बनवाया था जिसपे लिखा था डैडीज लिटिल गर्ल। ये अपने पिता से बेहद प्यार करती थीं। प्रियंका चोपड़ा ने वो सारे अरमान पूरे किए जो उनके पिता चाहते थे। पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा 10 जून 2013 को ये दुनिया छोड़ चल बसे। शिल्पा शेट्टी, जो अपने अभिनय के लिए तो बहुत मशहूर रहीं और आजकल रियलिटी टीवी शोज के लिए, जरा नजर डालते हैं इनके पिताजी के छोटे से सफर पर। पिता का नाम सुरेंद्र, ये एक बिजनेसमैन थे और अपने परिवार को मैंगलोर से ये लेकर आ गए थे मुंबई, जहां पर इन्होंने अपनी बेटी शिल्पा शेट्टी को भरतनाट्यम नृत्य की ट्रेनिंग दिलवाई, कराटे का प्रशिक्षण दिलवाया और फिर बेटी बनी हीरोइन भी। पर एक रात इनके पिता गहरी नींद सो रहे थे, सोते सोते ही हार्ट अटैक आया और इनके पिता सुरेंद्र ये दुनिया छोड़ चल बसे। तारीख 11 अक्टूबर सन 2016। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय भी शिल्पा शेट्टी की तरह ही मैंगलोर से ताल्लुक रखती हैं। ऐश्वर्या राय के पिता भी एक आर्मी बायोलॉजिस्ट थे। इनका एक बड़ा भाई है आदित्य राय और माँ का नाम है वृंदा। इनके पिता कृष्णराज लिम्फोमा से ग्रस्त थे, जिसके लिए इन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया था। अपने पिता की बीमारी के चलते ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने नए बरस की छुट्टियां भी जरा छोटी कर दी थीं। लेकिन 18 मार्च सन 2017 वो दिन बनकर आया जब ऐश्वर्या राय बच्चन के पिता गुजर गए। ये थी एक मुख्तसर सी दास्तां, तीन खूबसूरत हीरोइंस और उनके पिता की।